बुद्धिमान लोगों के 6 लक्षण, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। ओरिजिनल्स इस नाम की किताब है, एडम ग्रांट इन्होंने लिखी हुई है। काफी लोगों का उन्होंने अभ्यास किया, पढ़ाई की, जो सफल लोग हैं, और उन्हें कुछ पॉइंट्स निकाले कि भाई कौन से पॉइंट्स है कि जो पॉइंट्स के ऊपर काम करते तो लोग सफल हो जाएंगे या बुद्धिमान हो जाएंगे, तो उसके बारे में बात करूंगा। उन्होंने तो 12 पॉइंट्स लेके, मैं 6 की बात करने वाला हूं आज, कि ऐसे कौन से 6 लक्षण हैं कि जो बुद्धिमान लोगों में होते हैं और सफलता वो अपने जीवन में पाते हैं। तो नंबर 1 जो है वो है कि ये इंटेलिजेंट लोग है वो कॉशियस गेम ऑफ रिस्क लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जोखिम लेते हैं सावधानी से, उनके गट फीलिंग के ऊपर जोखिम नहीं लेते। मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। बिजनेस में जोखिम लेना जरूरी है, जोखिम लेना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, मगर सावधानी से लेना है। डेटा सामने होना है, लॉजिक होना है, और वो मतलब लेंगे। मुझे ऐसा लगा ऐसा नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक आदमी को लगा कि मैं सोने की तलवार बनाऊंगा तो अच्छी बेची जाएंगी और मुझे बहुत फायदा होगा। अब उसने बड़ी मेहनत करके सोने की तलवार बना लिया, तलवार तो अच्छी बनी, मगर उसके उससे उसको लेंगा कौन? मार्केट होना चाहिए ना, तो वो मार्केट कितना है उसका। तो कभी भी जब आप चालू कर दे कुछ भी, तो मार्केट क्या है, लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए, उसका मार्केट है कि नहीं, उसका स्टडी करते, रिसर्च करते हैं, और बाद में फिर वो काम चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे लगा करके मैंने कर लिया। तो रिस्क लेना है, मगर जोखिम जो है, जोखिम मतलब रिस्क जो लेना है, सावधानी से लेना है। नंबर 1। नंबर 2, ये इंटेलिजेंट लोग क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि क्वालिटी के ऊपर। क्या होता है कि गुणवत्ता अच्छी रहेंगी तभी मैं मेरा काम चालू करूंगा, मैं चालू करूंगा जब मैं बहुत बेस्ट करूंगा तभी चालू करूंगा। लोग फॉर एग्जांपल पेंटिंग, नहीं नहीं मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए तभी मैं लोगों को बताऊंगा, तब तक उसके ऊपर मेहनत करूंगा। नहीं, आप पेंटिंग निकालना चालू कर दो, पेंटिंग करना चालू कर दो, बहुत बड़ी मात्रा में करो, आपको इतनी प्रैक्टिस होते जाएंगी कि नेचुरली आपकी पेंटिंग जो उसकी गुणवत्ता धीरे 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 बढ़ते जाएंगी। आप उसका इंतजार करेंगे कि मेरी गुणवत्ता बढ़ेंगी तब मैं बताऊंगा और तब मैं करूंगा, नहीं, आप चालू कर देने आए, गुणवत्ता बढ़ते जाएंगी। तो इंटेलिजेंट लोग क्वांटिटी के ऊपर मतलब नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर, जितने ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे होते जाएंगे। नंबर 3 जो है वो है प्रोक्रास्टिनेशन इज प्रोडक्टिव समटाइम्स। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम आगे ढकेलना और बाद में काम करना, वो कभी कभी बहुत अच्छा होता है। हम हरदम बोलते हैं कि भाई आगे मत ढकलो, तुरंत करो, आज के आज करो, मगर कुछ बड़ा काम है तो क्या होता है कि आपने तुरंत चालू कर दिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स न देखते हुए, फायदे क्या है नुकसान है वो न देखते हुए, तो फिर उसमें नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि भाई आप उसको दिमाग में रखो, उसके ऊपर विचार मंथन करो, दूसरा काम चालू कर दो, मतलब बाकी अपना रूटीन चालू रखो, मगर वो काम एट द बैक ऑफ द माइंड आपके रहेगा, वो विचार एट द बैक ऑफ द माइंड रहेगा ही, क्योंकि वो पूरा हुआ नहीं है। और जब वो बैक ऑफ द माइंड है तो नेचुरली अपना सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करते रहता है और फिर फटाक से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं ज़िगर्निक इफेक्ट। ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि अनफिनिश टास्क जो है उसके ऊपर दिमाग काम करते रहता है और फिर आपको उसका सोल्यूशन धीरे धीरे मिल जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन से क्या होता है कि ठीक है मैं बाद में करूंगा ना, आज मेरे पास में आइडिया आ गए तो रुक जाऊंगा, बाद में करूंगा, तो उसके ऊपर फिर अपना काम करना चालू हो जाता है और हम बाद में करेंगे तो और अच्छा काम हो सकता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन कैन समटाइम्स बी प्रोडक्टिव। नंबर 4 जो है वो है हाई सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब इमोशंस के ऊपर काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुए है, आप कोई निर्णय लेते और काम करते तो नुकसानदेह हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, नर्वस है, कुछ काम करते वो नुकसानदेह हो सकता है, तो ना डाउन है ना हाई है, हमको मालूम नहीं रहता कि हम कहाँ हैं क्योंकि आप अंदर घुसे हुए। तो हरदम ये रखना है कि इमोशंस में निर्णय न लेते हुए, जब भी निर्णय लेना है तो लॉजिक के ऊपर, डेटा के ऊपर, रीजंस के ऊपर निर्णय लेना है ताकि इमोशंस बीच में नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी आप बहुत ही इमोशनली इन्वॉल्व हैं किसमें, वहाँ निर्णय लेने का नहीं है। आपको ब्रेकअप करना है, निर्णय मत लो। आपको फ्रेंडशिप करना है, निर्णय मत लो, तुरंत नहीं करना है, सोचो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, बाद में निर्णय लेंगे तो फायदा होगा। नंबर 5वां पॉइंट है कि बात कम ऑब्जर्व ज़्यादा।
इसमें होता क्या है कि जो लोग बात बहुत ज्यादा करते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना इंटेलिजेंस लोगों को बता रहे, सुना रहे, जो लोगों ने आपको पूछा नहीं है आप अपने चला रहे। जब आपको लोगों को नॉलेज दे रहे जब लोगों ने पूछा भी नहीं है तो क्या हो रहा है, आप कुछ नहीं सीख रहे। जब आप ऑब्जर्व कर रहे, सुन रहे, लोगों की सुन रहे हैं तो आपको नॉलेज मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हरदम ये देखना है कि ऑब्जर्व ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, सुनना, आपको ज्ञान मिलेगा, आप ज्ञानी होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। नंबर छठवा जो है वो है कि इंटेलिजेंट लोग स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। क्या है कि एजम्पशंस के ऊपर काम नहीं करते। एजम्पशन मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा समझा, मैं ऐसा बोलने वाला ही था, फिर ऐसा होगा ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसे ऊपर काम नहीं करते। वो काम करते हैं टू द स्पेसिफिक डेटा के ऊपर। मतलब ये समय पे ये होगा, इतने तारीख को होगा, ये होगा तो क्यों होगा, कब होगा। ऐसा बोला जाता है कि गॉड इज इन डिटेल्स। आप डिटेल में जाके बारीकी से एक 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 चीज देखते हैं और उसके ऊपर एक्शन करते हैं स्पेसिफिकली, ना कि मुझे ऐसा लगा, समझा, जाना, पहचाना, मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो आने वाला है, नहीं आने वाला है ऐसा आपको लगा ना, आपने पूछा क्या उसको, कब आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, आके क्या करने वाला है। मीटिंग में लोग लेते हैं तो डिटेल में पहला सर्कुलर निकालेंगे, मीटिंग का एजेंडा लिखेंगे, मीटिंग में क्या होने वाला है वो बताएंगे, तो स्पेसिफिक टू द पॉइंट होगा, फास्ट होते जाएगा। तो ये छः पॉइंट है और ये छः पॉइंट्स साइंस इंटेलिजेंट लोगों की है। बाकी जो पॉइंट्स हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।